इसमें दिया हुआ है इफ एक्स इक्वल टू वन टू वाई इक्वल टू टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किताब में किए जिसमें हमको दिया था कि भाई अगर एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू अगर ये इस इक्वेशन का 3x प्लस 5y इक्वल टू k इसका अगर सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड करो, इस टाइप का हमने किया है। तो उसी तरीके से मेथड तो पूरी वही है, थोड़ा आगे जाके थोड़ा अलग कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी बोला है कि x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रूव कर दूंगा डायरेक्टली कि x इक्वल टू वन है y इक्वल टू टू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा। तो इक्वेशन क्या था हमारा a स्क्वायर x प्लस ay इज इक्वल टू 3, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो यह है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस a इंटू 2 इज इक्वल टू 3, ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 3। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे माइनस 3 होता फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? ऐसे क्वेश्चन किए क्या आप लोगों ने कभी? पॉलीनोमियल्स में किए हैं बराबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सिर्फ ये जो इक्वल टू 3 है इसको इधर लेके आ जाओ तो फिर ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग पॉलीनोमियल के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अगर ऐसे लिखा हुआ है इक्वल टू 0 नहीं है तो देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बराबर, दिस इज नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे तो हमने सॉल्व किया ऐसे हमको कि ये इक्वल टू जीरो वाला पहली बार देखा है, लेकिन ये तो सॉल्व किया है ना हम लोगों ने, बस तो इसको सॉल्व कर लेते दो मिनट के लिए वो इक्वल टू जीरो भूल जाए। इसके फैक्टर्स क्या है, हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन 3 आने वाली थ्री होता थी, और अगर यहाँ पे 1 है तो हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं दोनों ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट डायरेक्ट भी बना सकते हो अगर यहाँ पे 1 है तो क्या बनेंगे दो ब्रैकेट डायरेक्टली बता सकते हो कितना क्या क्या सर a प्लस 3 a माइनस 1 करेक्ट, वेरी नाइस। तो एक ब्रैकेट बन गया a प्लस 3, एक ब्रैकेट बन गया a माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन हमको 3 चाहिए था 3 होता 3, अगर आखिर की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़े टर्म को मिडिल टर्म का साइन, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, और यहाँ अगर 1 है कोएफिशिएंट तो डायरेक्टली दोनों ब्रैकेट बन जाएंगे। ये आ गए फैक्टर्स, ऐसे हम लोगों ने किए थे पॉलीनोमियल्स बराबर। अब सिर्फ ये क्या है इज इक्वल टू 0, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आएगा जब दो में से कम एक वैल्यू 0 होगी, तो मैं दोनों को 0 लिख देता हूँ, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं लेकिन दो में से एक तो होगा ही, तो a की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 3 का यहाँ जाके क्या होगा माइनस 3 और माइनस 1 यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस 1, तो ये आ गई हमारी दो वैल्यूज माइनस 3 है। क्लियर देख लो, वैसे ही और एक क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि x इक्वल टू k स्क्वायर और y इक्वल टू k जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके ये सॉल्यूशन है as x इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इक्वल टू k as a सॉल्यूशन, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज गिवन, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू x की वैल्यू डाल देता हूँ k स्क्वायर और y की वैल्यू डाल देता हूँ k, तो x इसमें वैल्यू डाल लो व्हाट इज x, x इज k स्क्वायर माइनस 5 इनटू y व्हाट इज y, y इज k प्लस 6 इक्वल टू 0, फिर से वैसे क्वाड्रेटिक मल्टीप्लिकेशन हमको कितना आना चाहिए 6, तो या तो 6 1 जा हो सकता है या 3 2 जा हो सकता है, 6 माइनस 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो ऐसे में साइन के हिसाब से साइन के रूल अगर याद रखोगे तो गलत नहीं होगा, है ना। आखिरी का टर्म जब पॉजिटिव होता है तो आपको दोनों ही टर्म को मिडिल टर्म का साइन देना है, तो आखिरी का प्लस है दोनों को ही मिडिल देना है, तो अगर मैं दोनों को ही मिडिल दे रहा हूँ तो इससे तो मेरा आंसर नहीं आएगा क्योंकि तो माइनस 7 हो जाएगा, इसका मतलब मेरे फैक्टर्स आए माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ अगर 1 है तो हम लोग डायरेक्टली ही ब्रैकेट तैयार कर सकते हैं, तो हमारा एक ब्रैकेट हुआ k
के माइनस थ्री और एक ब्रैकेट हुआ के माइनस टू, सेपरेट कर दिया, एक तो के माइनस थ्री जीरो होगा या तो के माइनस टू जीरो होगा, इसका मतलब एक तो k की वैल्यू थ्री होगी या तो फिर k की वैल्यू टू। क्लियर? फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन वन, हमें हम लोग को इसके ग्राफ निकालना, इक्वेशंस दिया है, ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ कैसे निकालते हैं हम लोग? ग्राफ निकालना मतलब क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, नाम से ही पता चलता है लीनियर, तो इसका मतलब इसका अगर ग्राफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? लाइन निकलेगी, लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे इसके पहले हम लोगों ने किया ना क्वेश्चन ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ग्राफ इस तरीके से रहता है, पैराबोला बोलते हैं जो कर्व है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा रहता है। तो अभी इसका ग्राफ अगर निकालना है तो मुझे कोई पॉइंट चाहिए ताकि वो पॉइंट को मैं जोड़ दूँ और मेरी लाइन बन जाए। तो पॉइंट निकालना है तो सिर्फ क्या करेंगे, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको, इक्वेशन को या तो x इक्वल टू लिखेंगे या तो y इक्वल टू लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स। अब इसमें हम लोग अपने मन से कोई भी x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है पहले एक्सरसाइज में, किए थे फाइंड द सॉल्यूशंस, फोर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो वही करना है फिर से एक बार। उसमें सिर्फ हम लोगों ने ग्राफ नहीं प्लॉट किया था, इसमें ग्राफ नहीं निकाला, ओके। तो चार सॉल्यूशंस निकालता हूँ, चार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तीन ही निकालता हूँ, ठीक है। अब बहुत से लोग तो दो ही निकालते हैं, तो दो भी निकालेंगे तो आंसर नहीं गलत होगा, लेकिन ये हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला एक्स इक्वल टू टू और गलती से मैंने वाई की वैल्यू दो निकालने की जगह अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन ली, मेरा एक पॉइंट आया टू थ्री, ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट लिया x इक्वल टू वन और इस बार मैंने y की वैल्यू करेक्ट निकाली, ठीक, तो मेरा पॉइंट आया वन थ्री। जब मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँगा टू थ्री, ये x पे वन टू, y पे वन टू थ्री, ये है मेरा टू थ्री पॉइंट और फिर वन थ्री, x पे वन y पे थ्री। अब मेरे पॉइंट अगर गलत भी होंगे तो क्योंकि मैंने दो ही पॉइंट लिया है तो हमेशा एक ही लाइन में आएंगे ही, कोई भी दो पॉइंट को उसमें से जाने स्ट्रेट लाइन तो जाएगी, तो अगर हमारे गलत भी पॉइंट हो गए तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ गलत कर दिया है करके, इसलिए कभी भी सिर्फ दो पॉइंट नहीं लेना। बहुत बार बताते कि दो पॉइंट ले लो हो जाएगा, हो जाता है, लाइन तो आएगी लेकिन गलत होगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने तीन पॉइंट लिया है, तीसरा भी पॉइंट आपने फाइंड कर दिया तो हो सकता है वो तीनों पॉइंट एक लाइन में आपके आएंगे ही नहीं। अगर नहीं आए तीन पॉइंट एक लाइन में तो समझ लो कि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया है, चेक कर लें कि कहाँ गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो हमेशा तीन पॉइंट हम लोगों को कम से कम लेना ही है, तीन से कम नहीं लेना। तो अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैंने पुट किया एक्स इक्वल टू वन तो मेरा वाई कितना आया फोर माइनस वन दैट इज थ्री, तो एक सोल्यूशन मिल गया है वन थ्री। दूसरा एक वैल्यू डालता हूँ टू एक्स इक्वल टू टू तो मेरा वाई आता है फोर माइनस टू इक्वल टू टू, और एक वैल्यू और डाल देता हूँ एक्स इक्वल टू थ्री तो मेरा वाई आता है फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। अब इसका टेबल बना लेंगे हमको, इक्वेशन हमको दिया था एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, या तो ऐसा लिखो इक्वेशन या तो फिर आप लोगों ने जो बनाया वाई इक्वल टू फोर माइनस एक्स वो लिखो, एक ही बात है ना, सेम इक्वेशन। और उसके बाद तीन पॉइंट्स एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो तीन पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले हुए, एक पॉइंट था हमारा एक्स वन तो वाई हमारा आया था थ्री, तो एक पॉइंट हुआ वन थ्री, एक्स हमने लिया टू, वाई भी आया टू, दूसरा पॉइंट हुआ टू टू, और लास्ट में एक्स दिया था थ्री तो वाई आया था वन, तो एक पॉइंट हुआ थ्री वन, ओके। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ निकालेंगे हम लोग, एक्स वाई एक्सिस स्केल लिखेंगे, इसको भूलना नहीं है, स्केल लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन, ये हुआ वन टू थ्री फोर, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सिमिलर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वन थ्री, एक्स पे वन यहाँ पे वन, और ये लाइन पे आप देखेंगे थ्री, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आपके ऑलरेडी लाइन्स है,
तो ये वन वाले लाइन पे देखेंगे थ्री कहाँ कटता है, ये आ गया आपका पॉइंट वन थ्री, दिस इज वन थ्री, ठीक है। उसके बाद टू टू एक्स पे टू, और इसी लाइन पे y पे कहाँ आता है पॉइंट, ये आया टू टू, वन थ्री टू टू और तीसरा थ्री वन, एक्स पे थ्री और फिर यहाँ के वर्टिकल लाइन पे y पे वन, ये आ गया पॉइंट थ्री वन। तो ये तीनों पॉइंट हमने लिख लिए यहाँ पे। और अब देखो अगर ये इन तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो समझ लो कि हम लोगों ने जो ग्राफ निकाला है वो करेक्ट निकाला है, हो गया हमारा ग्राफ तैयार। यहाँ पे इक्वेशन लिखो, हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू फोर, स्केल लिखो, स्केल क्या लिया हमने दोनों एक्सिस पे एक एक ही लिया, वन टू थ्री फोर ऐसे ही लिया हुआ है, तो स्केल लिखेंगे ऑन बोथ एक्सिस, एक है तो एक्सिस बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो एक्सिस बोलते हैं, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कुछ डाउट? उसी में से लास्ट क्वेश्चन कर रहे थ्री इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन, या तो x इक्वल टू तैयार करता हूँ या तो y इक्वल टू बनाता, जिसके साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, y इक्वल टू अगर जैसे यहाँ पे y के साथ 1 है तो y इक्वल टू कोएफिशिएंट बनाना आसान पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं y इक्वल टू बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे सिर्फ ये इसको इधर ले जाना है, हमारा इक्वेशन बन गया 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई। वही अगर मैं सोचता हूँ x इक्वल टू बनाऊंगा इक्वेशन तो क्या होगा, ये y इधर जाएगा 3 माइनस y इक्वल टू 2x होगा, और फिर x निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई का टू यहाँ डिवाइड करना है, वो फ्रैक्शन में आएगा, फिर y की वैल्यू ऐसी डालनी पड़ेगी ताकि हमारा आंसर, कोशिश करेंगे कि इंटीजर आए डिवाइड बाई टू करने के बाद, पॉइंट वे भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट वाला हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में ना, 1.5 भी आ गया एक्स, तो वी कैन प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन कोशिश करेंगे कि डिवीजन में ना आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो ये इक्वेशन बन गया। अब x की वैल्यू डालते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, तीन पॉइंट्स प्लॉट करना है, तो x इक्वल टू 1 अगर मैं करता हूँ तो y क्या आएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1, दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ x इक्वल टू माइनस 1 अगर कर दिया तो y कितना आया 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 प्लस 2 दैट इज आंसर इज 5, पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0 तो y क्या आएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, तीन पॉइंट्स हो गए तैयार हमारे। इक्वेशन था हमारा 3 इक्वल टू 2x प्लस y का, तो ऐसे लिखो या तो फिर हम लोगों ने जो इक्वेशन तैयार किया था y इक्वल टू 3 माइनस 2, दो में से कोई भी एक लिख सकते हो, पॉइंट्स लिखते हैं x y और ये कोऑर्डिनेट x y, तीन पॉइंट्स हमारे क्या थे, x लिया था 1, y भी आया था 1, 1 1 एक पॉइंट हुआ 1 1, x लिया माइनस 1, y आया 5, तो दूसरा पॉइंट माइनस 1 5, x लिया 0, y आया 3, तो यह है हमारा थर्ड पॉइंट 0 और 3, ठीक है। अब देखते हैं इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 x एक्सिस, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे 1 2 3 4, वैसे ही यहाँ पे y डैश माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 1 1, x पे 1 और इसी लाइन पे y पे 1, तो ये आ गया हमारा पॉइंट 1 1, इसके बाद माइनस 1 5, तो x पे देखेंगे माइनस 1 कहाँ आ रहा है और इस लाइन पे फिर y पे देखेंगे 5 कहाँ आ रहा है, तो ये आएगा पॉइंट हमारा माइनस 1 5 बराबर, माइनस 1 और 5, और लास्ट पॉइंट है 0 3। अब 0 3 कहाँ में लूँ, यहाँ लूँ 0 3 या यहाँ लूँ 0 3, x पे 0 चाहिए ना आपको, x पे 0 है और ये लाइन पे फिर y पे 3 चाहिए, तो ये हो गया पॉइंट हमारा 0 3। तो तीनों पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, एक पॉइंट था 1 1, एक पॉइंट था 0 3 और एक पॉइंट था माइनस 1 5, तीनों अगर एक लाइन में आ गए तो समझ लो कि हम लोगों का आंसर करेक्ट। अब मैं फ्री हैंड निकाल रहा हूँ, वो भी आ गए तो आपको तो आई जाएंगे यहाँ से, ठीक। तो इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे 3 इक्वल टू 2x प्लस y, खत्म क्वेश्चन, क्लियर।
स्केल लिखना है ऑन बोथ एक्सिस हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. अगर मान लो आपको गलती से ऐसे हो गया कि नंबर बड़े बड़े आ 10 आया 15 आया 25 आ रहा है तो स्केल थोड़ी बदल लेंगे बड़ी ले लेंगे 1 सेंटीमीटर पे 5 भी ले सकते हैं तो फिर 5, 10, 15, 20 ऐसे भी कर सकते. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 240. तो हमारे पास मान लो एक ग्राफ है जहाँ पे पॉइंट 240 नहीं है हुआ 1, 2 और यहाँ हुआ 14 यहाँ है तो ये पॉइंट है 240. तो इसमें से कितनी लाइंस जा सकती है पहले एक ये पॉइंट अगर है 240 तो इस लाइन इस पॉइंट में से कितनी लाइन जा सकती है. एक पॉइंट दिया है पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है. इनफाइनाइट बराबर. तो मतलब इसके इक्वेशन भी इनफाइनाइट बनेंगे फिर बराबर. तो एक सवाल था हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर तो इनफाइनाइट बोलेंगे बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट बराबर. अब हमको दो ही बनाना है दो ऐसे इक्वेशन बताओ जिसका अगर हम लोग ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ पे ये पॉइंट आना चाहिए. ऐसे हमको दो इक्वेशन बता रहे जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो किया सबसे पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 4 था ना पहला बराबर. तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह 1 लेता हूँ तो y कितना आएगा मेरा 3 ताकि 4 बन जाए बराबर. अगर मैं x 2 लेता हूँ तो y 2 अगर मैं x 3 लेता हूँ तो y 1. अगर मैं इसका ग्राफ निकालता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 4 अब मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया मान लो मैंने इसका ग्राफ निकाल लिया अब मैंने x की जगह ले लिया -2 तो मेरा y कितना आएगा कितना 6 आएगा बराबर ना. -2 + 6 करूंगा तो मेरा आंसर 4 आएगा LHS = RHS. इसका ग्राफ मैंने निकाला मुझे चेक करना है ये पॉइंट इसी ग्राफ पे होगा कि नहीं होगा. होगा ना इसी ग्राफ पे क्योंकि ये भी तो सॉल्यूशन है इसका बराबर. तो ऐसे हमको अगर ये दिया है कि भाई 1, 3 एक पॉइंट है अब बताओ कि क्या इक्वेशन हो सकता है तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस y 4 हो सकता है करें. यस सर. भाई 1, 3 पॉइंट है ये x है ये y है x प्लस y इक्वल टू 4 एक इक्वेशन बन सकता है. अगर 1, 3 ही पॉइंट है दूसरा कोई इक्वेशन बन सकता है. ये हमारा x है ये y है एक पॉइंट दे दिया है 1, 3 और कौन सा इक्वेशन बन सकता है एक्स और वाई का और क्या रिलेशन बनता है. एक तो हमने देख लिया कि भाई प्लस करके 4 आता है करके दूसरा क्या हो सकता है होता है बस इसका रिलेशन पता है 2x plus y is equal to 5 ओके 2x plus y equal to 5 आ जाएगा ना 2 × x बराबर 2 × 1 plus y 3 बराबर आता है LHS = RHS तो एकदम बराबर है. तो ये भी एक बन गया 2x + y = 5 एक बन गया x + y = 4 और 9. सिर्फ अगर x और y के बारे में सोचोगे तो उसका रिलेशन देखो कैसा है. ऐसे बोल सकते हो कि y जो है हम x - y सकता है x माइनस y x में से y माइनस करोगे तो -2 आएगा बराबर ना. 1 - 3 कितना आता है -2. या फिर अगर माइनस की झंझट नहीं चाहिए तो ऐसे भी बना सकते हो y - x = 2 y में से x माइनस करो 2 आने वाला है तो ये भी एक इक्वेशन हो गया. इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो उस पर भी ये पॉइंट आएगा. ऐसे भी बोल सकता हूँ कि y जो है वो x का 3 times है तो ये भी एक हो गया तो 4 तो बनी गया. हमको सिर्फ 2 ही बनाना है ओके. तो अब इसका 2 और 14 का रिलेशन देखना है और कोई भी दो इक्वेशन हम लोग को बता लें तो क्या बन सकता है कि 2 और 14 का रिलेशन मैं देखता हूँ x = 2 and y = 14 तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y = 7x बना सकता हूँ. yes, ये हो गया एक इक्वेशन. ऐसे बोल सकता हूँ x + y = 16 ये बोल सकता हूँ y - x = 12 ये बोल सकता हूँ और बहुत सारी इक्वेशन बन सकते हैं.
जैसे थोड़ी देर पहले स्नेहा ने बोला था, मैं बोल सकता हूँ 2x + y = कितना आएगा, 2x + y, 2 into x, x कितना है 2, प्लस y, y कितना है 14, आंसर कितना आता है 18, तो 2x + y = 18, बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, है। मैंने कर दिया मान लो 5x - y, सिर्फ मुझे देखना है आंसर कितना आता है, 5 into x - 2 - 14, 10 - 14, आंसर क्या आता है -4, तो इक्वेशन क्या बना 5x - y = -4, ये भी एक इक्वेशन बन गया 5x - y = -4, तो हम लोग ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट सच इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू 14। अब सवाल था कि क्यों करें, तो उसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास, और हर एक लाइन का एक इक्वेशन होगा, बराबर, एज थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास। कंफ्यूजन, तो ऐसा ही क्वेश्चन इसके पहले के भी एक्सरसाइज में किया था, उनको दिया है कि ये जो 3-4 पॉइंट से क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल दिया है, इसके पहले जो किया था तो उसमें ऐसे दिया था कि भाई अगर x = 3 और y = 4 अगर इसका सॉल्यूशन है तो बताओ कि a की वैल्यू क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब 3-4 अगर उस लाइन पे है तो इसी का मतलब तो सॉल्यूशन ही है ना, बात एक ही हो गई, ठीक है। तो सिर्फ हमको पुट करना है यहाँ पे, पुट x = 3 and y = 4 एज इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7, बस इसमें वैल्यूज डाल देंगे हमारा आई मिल जाएगा। तो 3 into y, व्हाट इज y, 4 इज इक्वल टू a into x, a को निकालना है, व्हाट इज x, x इज 3 प्लस 7, 3 4 are 12, 3a + 7 + 7 यहाँ हुआ माइनस 5 = 3a, तो a की वैल्यू बन गई 5 / 3, बस क्वेश्चन का ना क्लियर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोस, टैक्सी फेयर किस तरीके से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, तो पहले किलोमीटर के लिए खर्चा है ₹8, तो उसके बाद एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer, तो पहले किलोमीटर का ₹8 खर्चा है और उसके बाद का हर किलोमीटर को ₹5 लगेगा, इस तरीके से रेट है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स एंड टोटल फेयर एज वाई, तो हमको लेना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया है एक्स किलोमीटर, और टोटल हमको खर्चा कितना लगा, टोटल फेयर हुआ हमारा ₹Y का। तो फिर बोल रहे हैं कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, इक्वेशन बनाओ और फिर ग्राफ तैयार। तो अगर 2 मिनट के लिए हम लोग पकड़ते हैं ना, x जो डिस्टेंस था, हम लोग अगर पकड़ लेते हैं कि चलो भाई हमको 10 किलोमीटर जाना है, रेट तो हमको पता है पहले किलोमीटर का ₹8, उसके बाद के किलोमीटर का हर किलोमीटर का ₹5, तो फिर 10 किलोमीटर अगर जाना है तो राजस्व अपने को कितना खर्चा लगेगा, पहले किलोमीटर का ₹8, उसके हर एक किलोमीटर का, उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए ₹5, 10 किलोमीटर अपने को जाना है, गाड़ी में बैठ गए हम लोग, कैसे है मतलब, क्या किया एट को फाइव से, इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन,
पहले किलोमीटर के लिए ₹8, उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए ₹5। हम लोग गाड़ी में बैठे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया आप लोगों ने, दिव्या जी 53। एक किलोमीटर के लिए ₹8 था, तो पहला जो किलोमीटर था उसको ₹8 का खर्चा लगा, ₹8 हो गया। बचे कितने डिस्टेंस अभी राजवी, कितना किलोमीटर बचा? हम लोगों ने 10 किलोमीटर कवर किया ना, कितने किलोमीटर बचे? हुआ 9 किलोमीटर बचे। हर एक किलोमीटर का कितना खर्चा है 9 किलोमीटर के लिए? ₹5 का खर्चा है हर एक किलोमीटर का, ₹5। तो ये हुआ 45। सो 45 + 8, फिर हमारा आंसर आया टोटल ₹53। मतलब टोटल फेयर हम लोगों का कैसे निकल रहा है? टोटल फेयर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ₹8 तो फिक्स है, एक किलोमीटर गए पहले ₹8 हो गए, ये फिक्स है। अब बचा जो भी डिस्टेंस होगा आपका, वो बचे हुए डिस्टेंस को पहले किलोमीटर का तो लगा लिया ना हमने ₹8 करके, जितना बचा है जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में से हमने 9 किलोमीटर को ₹5 किया, क्योंकि पहले किलोमीटर का ₹8 लगा लिया था, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस था उसको हमने किया ₹5। तो अभी हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, x। तो जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसके पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 है। अगर x किलोमीटर जा रहे हैं, पहले किलोमीटर का ₹8 लग गया, बचा कितना डिस्टेंस? x-1। जैसे 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का ₹8 लग गया, बचा कितना डिस्टेंस? 9, 10-1। तो वैसे x किलोमीटर में से पहले डिस्टेंस का, पहले किलोमीटर का लग गया खर्चा, बचा डिस्टेंस x-1, इसको करेंगे ₹5, तो मिलेगा टोटल फेयर y। बन गया इक्वेशन हमारा 8 + 5x - 5, तो ये हो गया 3 + 5x। दिस इज इक्वेशन फॉर टोटल फेयर, क्लियर? अब इसका ग्राफ निकालना बहुत आसान, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है? पहले यहां तक लिख लो, फिर ग्राफ भी बना दो। चलो तो हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, इक्वेशन हम लोगों ने बता लिया था y = 3 + 5x, x की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं आपके यहां पे पुट करता हूं x = -1, तो मेरा y कितना बनेगा? 3 + 5 - -1, दैट इज 3 - 5, वैल्यू बन गई -2। वैसे ही दूसरी और वैल्यू पुट करता हूँ, x = -2 पुट करूँगा तो फिर y क्या आएगा? y = 3 + 5 - 2, 3 - 10, वैल्यू आ गई -7, ठीक है? और एक वैल्यू और पुट कर देता हूँ, x = 0, तो x = 0 पुट करने से आएगा 3 + 5 - 0, दैट इज 3। हो गए पॉइंट्स हमारे तैयार, इसका टेबल बनाएंगे। टेबल हमने बना लिया, y = 3 + 5x से हमारा दिया हुआ इक्वेशन है, इसमें तीनों पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई और कोऑर्डिनेट फिर एक्स वाई। जब हम लोगों ने लिया था x - 1, तो y आया था -2, तो पहला पॉइंट हुआ -1 - 2। उसके बाद जब हमने पुट किया x - 2, तो y आया -7, तो आया -2 - 7। तीसरा जब हमने x पुट किया 0, y आया 3, तो तीसरा पॉइंट हो गया 0 3। अभी हम लोग निकालते हैं ग्राफ, चाहिए x पे -1 - 2 चाहिए, और y पे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या -7 चाहिए ना, तो नीचे भी मुझे निकालना पड़ेगा ज्यादा, -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, और ये आएगा यहाँ पे -7, और 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ आ रहा है -1 - 2 - 3 - 4, पॉइंट क्या है? -1 - 2, तो x पे -1, और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे -2, तो देखो पॉइंट आया -1 - 2, उसके बाद है -2 - 7, तो x पे -2, और यहाँ की जो वर्टिकल लाइन है उस पे -7, तो ये आ रहा है पॉइंट -2 - 7,
और लास्ट 0 3, तो कहाँ पे एक्स पे या वाई पे? वाई पे, एक्स पे 0 और वाई पे उसी लाइन पे 3, तो ये आया पॉइंट हमारा 0 3। एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया करेक्ट। उसको इक्वेशन देंगे, क्या इक्वेशन था हमारा? वाई इक्वल टू 3 + 5x। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम लोगों को ना सवाल भी ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने x यहाँ पे लिया हुआ है, व्हाट इज x? x इज -1, तो फिर y आया हमारा -1। अब सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्राफ देख के हमको बताओ, अगर 8 किलोमीटर कोई डिस्टेंस जाएगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? ऐसा सवाल आ सकता है, फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट। तो फिर कैसे करोगे? चलो मैं थोड़ा कि ये कम ले लूँगा 3, क्योंकि मुझे ग्राफ में वो संख्या दिखानी पड़ेगी इसलिए। ओके, तो अगर 3 किलोमीटर गए हैं तो कितना खर्चा आएगा, क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? कैसे देखेंगे ग्राफ पे? हमारा जो इक्वेशन है इसमें y और x क्या है? तो मुझे 3 किलोमीटर दिखना है, मतलब मैं डिस्टेंस पे देखूंगा 3 किलोमीटर, x देखूंगा 3 किलोमीटर, है ना? x 3 किलोमीटर कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पे मैं इसको खींचना पड़ेगा मुझे स्ट्रेट लाइन, लंबी लाइन, हाँ वो क्रॉस करनी पड़ेगी कि वो लाइन कहाँ कट रही है 3 किलोमीटर पे, और फिर वहाँ पे जहाँ कटी, मान लो ऐसी लाइन, 2 मिनट के लिए समझ लो कि ऐसी लाइन ये जहाँ कटी उसको मैं यहाँ पे निकालूंगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई मतलब मेरा फेयर, फिर देखूंगा वाई पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है, तो हमको पता चलेगा फ्रॉम द ग्राफ। तो ऐसे आ सकता है कि अगर मान लो 50 रुपये का खर्चा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ, तो फिर उस पर मैं देखूंगा वाई पे 50 का आ रहा है, तो फिर मुझे स्केल भी बड़ी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो फिर मुझे स्केल भी बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 50 कैसे दिखाई देगी? फिर मैं 5 की स्केल लूँगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे लूँगा, और फिर मैं देखूंगा कि वाई पे 50 कहाँ है भाई, फिर वाई के जहाँ 50 है वहाँ से ऐसी लाइन खींचूंगा, वो मेरे ग्राफ को जहाँ कटेगी वहाँ से एक्स पे लाइन खींचूंगा, वो जहाँ पॉइंट मिलेगा उतना डिस्टेंस वो 50 रुपये में कवर कर सकता है। क्लियर है? यस सर। लिख लो।